सवारियां बहुत तेजी से गुजर रही हैं। अब एक एक चीज ना मुझे नजर आ रही है और ना मैं बयान कर पाऊंगा। अब देखिए देखिए वो देखिए, सामने वाली सवारी में टूटी हुई मेहराबें और कंगूरे लदे हुए हैं, और उनके पीछे वाली सवारी में कटावदार दर और नक्शीन दरीचे हैं। मीनार और गुंबदों की सवारी वो पीछे आ रही है, और ये जो सामने से सवारी गुजर रही है, इसमें सिंघार दान, सुरमे दानी, खास दान, पान दान और इत्र दानों का अंबार है। वो देखिए, इसके ठीक पीछे वाली सवारी में अमामों, कलफदार टोपियों, खरकों, जुब्बों और अबाओं के गट्ठर लदे हुए हैं, और वो जो एक सजी हुई सवारी है ना, उसमें इत्र की शीशियां भरी हुई हैं। ये जो बिल्कुल हमारे पास से सवारी गुजरी, इसमें मसनवियों, कसीदों, मरसियों, रुबाइयों, बारह मासियों, किस्सों, कथाओं, दास्तानों के दफ्तर के दफ्तर कितने कुआड़ंदाज में लाद रखे, और खत्ताती के बेशकीमत नमूने कदम कदम पर जमीन पर गिरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ ने आंखें खोली तो तहजीब की सवारियां रुखसत हो रही थी। सकाफत और शऊर रुखसत हो रहा था। टूटी मेहराबें, कंगूरे, गुब्बदें, मौसिकी के आलात एक तहजीब के साथ रुखसत हो रहे थे, और यादों के जजीरे में आंखें उस मलबे को तलाश कर रही थीं जहां माजी की हसीन यादों के गुलदस्ते सजे थे। आखिरी सवारियाँ जो आप उनके नावल को दे दें, तो कहा जाता है कि ये दौर ज़िया का सकाफती बयानिया है। अपने ज़माने को इस एक जुमले के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि अपने दौर का जो तहजीब, जो सकाफत, जो अदब, जो कल्चर है, वो कहाँ चला गया है, और उसको फिर वही मैं कहूँगा कि दास्तानवी माहौल से वो जोड़ते चले जाते हैं, और वो कह देते हैं कि ये कहीं आखिरी सवारियाँ ना साबित हों तहजीब की, माशरत की, अदब की, ज़ुबान की, मादरी ज़ुबान की, हमारे कल्चर की। आखिरी सवारियाँ, वो उस पर बहुत लोगों ने लिखा, और एक जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इट हैज़ बीन क्रिएटिंग वेव्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट में आखिरी सवारियाँ, देखिए जवाल की कहानी तो है, हर आदमी कहता है माजी नॉस्टैल्जिया, माजी अच्छा था, लेकिन माजी ये कह देने से काम नहीं चलता। बल्कि अशरफ का ये जो नावल आखिरी सवारियाँ, ये हमारे अहद का बहुत अहम एक नावल इस लिहाज से है कि उन्होंने जो कहा जाता है कि साहब नावल जो है या एक जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया जाता है। नावल के ख़त्म होने के बाद मुझे अपनी तहजीबी कमाईगी और मुफलिसी का शदीद एहसास हुआ। अशरफ ने आखिरी सवारियाँ में एक मखलूक तहजीब की नज़ा के दौर का मंज़र जिस खूबसूरती और दर्द के साथ पेश किया है, उसके लिए आने वाली नस्लें उनको हमेशा याद रखेंगी। मशहूर शायर फरत एहसास सैयद मोहम्मद अशरफ को
अफसानवी अदब के दश्ते बेअमा का ख्वाजा खिज्र करार देते हुए फरमाते हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ का नावल गायब और हाजिर की आमद रफ्त के पुरअसरार अमल को एक नई सकाफती जहज से रोशनात कराता है, जो अफसाने की तख्लीकी नसर में शायद पहली बार देखा गया है। आखिरी सवारियों का जो मौजू है वो तो बड़ा दुख देने वाला मौजू है। हम और आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, इस उम्र में हमने और आपने बहुत सी चीज़ों को अपनी नज़रों के सामने से ख़त्म होते हुए देखा है, बहुत सी अच्छी कदरों को ख़त्म होते हुए देखा है, बहुत सी अच्छी चीज़ें जो बहुत सी उम्दा कदरों की नुमाइंदगी करती थी उनको ख़त्म होते हुए देखा है। ऐसा लगता है जैसे हर हफ्ते या हर महीने कोई एक चीज़ हमारी तहजीब से उड़ जाती है। नीला उस वक्त घड़ी में था, हालांकि दरहकीकत वो उस वक्त कस्बे में भी था। वो आमों, अमरूदों, बेरों और जामन के बागों में भी था। कस्बे का हर फर्द समझ रहा था कि नीला खुद को उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ महसूस हो रहा है। बस दरवाजा खुला। आप यकीन कीजिए, मैंने रात को चीख पुकार के बाद अपनी खिड़की से तीन नीले अपनी आंखों से देखे थे। ठाकुर ने रात का मंजर याद किया और झुरझुरी लेकर बोले, नीला हर जगह है। नंबरदार का नीला टेररिज्म क्या होता है, या जाहिर से 15 साल पहले का 20 साल पहले का लिखा हुआ नॉवेल है, तो नंबरदार का नीला की जब आप वायलेंस को, तशद्दुद को बढ़ावा देते हैं तो किस तरह से वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, काउंटर प्रोडक्टिव कैसे होता है, ये उनकी नॉवेल बताता है। देखिए, तशद्दुद से किसी मसले का हल नहीं होता। वायलेंस जो है, जब आप किसी को सजाए मौत देते हैं तो ये नहीं होता आपके पास ताकत है, आप जिसको चाहे मार दें, लेकिन मार देना ये आपकी ताकत नहीं है, ये बेबसी और लाचारी है। देखिए, जब से दुनिया बनी है कितने विष्णु के कितने अवतार आए है ना, और मुसलमानों में कितने पैगंबर आए। अगर भगवान को हिंदू बनाना था, मुसलमान बनाना था, बना देता, लेकिन उसने क्यों भेजे राम के कितने, विष्णु के अवतार राम भी थे और कृष्णा, बहुत से लोग अवतार हुए हैं और मुसलमानों में पैगंबर आए कि उनका उनकी इस्लाह करें, उनको रिफॉर्म करें। रिफॉर्म करना बड़ा मुश्किल काम है। जब आप मार देते हैं तो उसका मतलब आप इस्लाह कर नहीं सकते, आपके पास पावर है, जिसको चाहे मार दें। तो वायलेंस की जो डायनामिक्स है, वायलेंस की जो पूरी एक हरकियात है, उसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, उस जमाने में जाहिर है पंजाब उसकी जद में था और पंजाब में कैसे टेररिज्म को भिंडरांवाला का, जाहिर है अशरफ साफी साफियाना कहानियाँ नहीं लिखते, लेकिन वो तजुर्बा उसका था। नंबरदार के नीले को आम तौर से हम कह दिया करते हैं कि जो लोग, जो सियासत हमारे यहाँ है, जो माशरा हमारे यहाँ है, जो इस तरह से लोगों को पाला जाता है, परवरिश की जाती है और उससे एक खौफ, एक दहशत पैदा की जाती है, उसके तरफ हमें एक ऐसा इशारा, एक ऐसी तलमी, बल्कि एक ऐसी तमसील, तलमी और तमसील को और इस्तियारे को तहलील कर देना, ये हुनर, ये फन अशरफ में बहुत कमाल के साथ है। नंबरदार का नीला जब लिखा तो वो एक नीला जिसको नंबरदार पालता है और उससे दूसरे लोगों को अजियत पहुँचाने और नुकसान पहुँचाने और दूसरे लोगों से बदला लेने के काम में वो आता है, उसको उन्होंने ऐसा इस्तियारा बनाया कि वो बाद में उसी पे हमला कर देता है और जिस शख्स का पाला हुआ वो था वही उस पे एक तरह से हमलावर होकर उसको मार देता है और पूरे शहर में फैल जाता है, गांव में फैलता है, सब जगह उसका टेरर फैल जाता है। तो ये एक तरह का इस्तियारा है, ये वो सचमुच कोई लिटरल मानों में नहीं पाला था और लिटरल मानों में ऐसा किया भी नहीं था उसने, हकीकी मानों में ये एक इस्तियारा है, जैसे हमारे यहाँ उस ज़माने में टेररिज्म फैल रहा था। हमने नंबरदार को भी देखा है और नीले को भी देखा है और हिंदुस्तान में फैली हुई दहशतगर्दी को भी देखा है। वो मुख्तसर सा नावल जो है वो इन्हीं तीन चीज़ों से इबारत है, नीले से, नंबरदार से, यानी जो किसी वहशी या किसी वहशत का जो इस्तेहसाल करता है और जो पूरे समाज में दहशत फैली हुई है। शम्सुर रहमान फारूकी को भी एतराफ करना पड़ा, बेशक इतना उम्दा फिक्शन तो उर्दू तो क्या, अंग्रेज़ी में भी
میں نے بہت دن سے نہیں دیکھا۔ زبان و بیان کا سلیقہ اور داستانی رنگ جو اشرف کے یہاں ہیں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ابلاغ و اخلاقیات کا ایک پڑاؤ تصوف بھی ہے۔ ان کی کہانیوں میں یہ سلسلہ مارہرہ شریف کی مقدس سرزمین سے شروع ہوتا ہے اور اشرف کی کہانیوں سے ہوتا ہوا دینی تصنیفات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ وعلى ورق الفل دلاني ومحملش الذل دياني و... علی گڑھ سے 65 کلومیٹر دور واقع پیم نگر برکات نگری، جس کو مارہرہ شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ مارہرہ شریف ہے جہاں سید شاہ برکت اللہ عشقیو پیمی مارہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصوف کی ضیاؤں سے زمانے کو روشن کر رہے ہیں اور پیم پرکاش کی مدھر واڑی سے اس گنگا جمنی تہذیب میں چار چاند لگا رہے ہیں۔ سید محمد اشرف کا تعلق اسی خانقاہ عالی شان کے عظیم بزرگوں سے ہے جنہوں نے سید محمد اشرف کی ذات کو اور ان کے قلم کو مزید روشن کیا۔ مارہرہ شریف سلسلے قادریہ کی ہندوستان میں راجدھانی ہے۔ ہمارے جد اعلیٰ حضور صاحب البرکات، اس کے شاہ حضور شاہ برکت اللہ سلسلے کے بانی ہیں۔ سلسلے چشتیہ تو ہمارے یہاں پرانا ہے، سلسلے قادریہ کی دولت کالبی شریف سے ہمارے یہاں آئی ہوئی ہیں۔ پہلے جو بیعت ہوا کرتی تھی وہ سلسلے چشتیہ میں ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صاحب البرکات نے سلسلے قادریہ میں بیعت کرنا شروع کیا اور جب سے لے کے آج تک سلسلے قادریہ میں ہی بیعت ہوا کرتی ہے۔ کوئی خواہش ظاہر کرتا ہے تو اسے سلسلے چشتیہ میں بیعت کر لیتے ہیں۔ مارہرہ شریف میں ایک لمبی مطلب علم و ادب، تحقیق و تخلیق کی روشن قندیلیں موجود ہیں جن سے زمانے نے اکتساب فیض کیا، اور وہی ورثہ اور وہی تمام تخلیقی شعور سید محمد اشرف صاحب کے اندر منتقل ہوا۔ مارہرہ تو میرا وطن مالوف ہے، وہیں پرورش ہوئی، وہیں باپ کی شفقت دیکھی، وہیں ماں کی ممتا دیکھی، وہیں گھر سے ملحق مکتب تھا، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، قرآن شریف کا ناظرہ، حساب کے بنیادی قاعدے، تھوڑی سی اردو، یعنی چار کتابیں اردو کی، کچھ ضروری دعائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اس کے بعد وہیں چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلنا سیکھے، کبڈی ہے، اونچا نیچا ہے، آنکھ مچونی ہے، وہیں عرسوں کی محفلیں دیکھیں، زائرین کے ہجوم دیکھے، مشاعرے دیکھے، قوالیاں دیکھیں۔ یہ سب بچپن کی باتیں ہیں اور لڑکپن کی باتیں ہیں۔ اور وہیں پھر ہمارا داخلہ مکتب سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد، یعنی جتنی بھی مکتب میں تعلیم ہوتی تھی تو ایک بیسک شکشا کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا، جواہر لال پاٹھشالہ جسے کہتے ہیں، ٹاٹ پٹی پہ بیٹھ کے پڑھائی ہوتی تھی۔ تو وہیں تیسرے درجے میں داخلہ ہوا، تیسرا چوتھا پانچواں وہیں پاس کیا۔ اس کے بعد وہیں ایک اسکول ہے جسے مارہرہ والے انٹر کالج کہتے ہیں، اس کا نام بھی بڑا طویل ہے، اور اس نام سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مارہرہ کا جو سماجی ڈھانچہ ہے وہ کس قسم کا ہے۔ اس کا نام ہے منا لال گلزاری لال ہندو مسلم انٹر کالج۔ تو وہیں چھٹے سے لے کر دسویں تک تعلیم حاصل کی۔ مارہرہ میں ہم لوگوں نے کوشش کری تعلیم کے بارے میں، سن 2002 میں مارہرہ پبلک اسکول کھولا جو اسٹیشن روڈ پر ہے۔ اس کے بعد جامعہ احسن البرکات جو 2011 سے شروع ہوا، اس میں دینی تعلیم ہوتی ہے اور فضیلت تک کی تعلیم ہے، جس میں باہر کے بچے پڑھتے ہیں، ہندوستان کے مختلف صوبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ مارہرہ میں جو پبلک اسکول ہے اس میں 40 کلومیٹر کے دائرے کے بچے پڑھائی کرتے ہیں،
और माशाल्लाह दीनी तालीम और दुनियावी तालीम बहुत अच्छे मियार पर चल रही है। देखिए मारेरे शरीफ में तालीम का बहुत ज़ोर है और ये तालीम का ज़ोर जो है ये मेरे बड़े भाई प्रोफेसर अमीन साहब और छोटे भाई सैयद नजीब हैदर इन दोनों ने एक मिशन की तरह से इसको उठा रखा है और हम दो भाई भी उनकी इस सिलसिले में जो है बराबर के साथ तआवुन करते रहे हैं। तो वहाँ पर जो है एक जामिया अहसनुल बरकात है जिसमें अरबी की तालीम दी जाती है, दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है बहुत उम्दा तरीके से। इसके अलावा माहरेरा पब्लिक स्कूल है जो नजीब मियां ने कायम किया है मेरे छोटे भाई ने। उसके अलावा वहाँ पर हाफ़िज़े का एक अलग मदरसा है, मदरसा कासिमुल बरकात है। इसके अलावा माहरेरे के हमारे घर के हर गोशे में तकरीबन, चाहे वह हवेली हो, चाहे हवेली सज्जादगी हो, चाहे बाहर की बैठक हो, चाहे वह दरगाह शरीफ का कोई गोशा हो, हुजरा हो, हर जगह तालीम का कुछ ना कुछ हिसाब किताब हर वक्त चलता रहता है। आठ जुलाई 1957 आज़ादी मिलने के 10 बरस बाद ननिहाल सीतापुर में सैयद मोहम्मद अशरफ ने अपनी आंखें खोली। वालिदे माजिद मशहूर सूफी सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियां कादरी और वालदा सैयद महबूब फातिमा नकवी की आगोश मोहब्बत में सैयद मोहम्मद अशरफ परवान चढ़े। उनका ताल्लुक ऐसे बाबरकत और मारूफ ख़ानदान से है जो सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह से शुरू होता है और जिस शजरे की तकमील सैयद आलम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर होती है। इस बाबरकत ख़ानदान का शजरा सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियां कादरी से शुरू होकर पैगंबर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। सैयद मोहम्मद अशरफ की ज़िंदगी के औराक उस वक्त तक अधूरे हैं जब तक उस शजरे की तफसील न देखी जाए जिसने सैयद मोहम्मद अशरफ को रूहानी फैज़ और आला नस्बतों से मालामाल किया और अदब की सल्तनत की बादशाही सौंपी। वालिद की जानिब से सैयद मोहम्मद अशरफ का शजरा इस तरह है। सैयद मोहम्मद अशरफ इब्ने सैयद शाह मुस्तफ़ा हैदर हसन मियां कादरी, इब्ने सैयद शाह आले एबा कादरी, इब्ने सैयद सालार, इब्ने सैयद मीर सुगरा, इब्ने सैयद अबू फराह सानी, इब्ने सैयद अबुल फराह वास्ती, इब्ने सैयद जैद दोयम, इब्ने सैयद जैद सोयम, इब्ने सैयद अली इराकी, इब्ने हज़रत सैयद ईसा मोतम अशबाल, इब्ने हज़रत सैयद जैद शहीद, इब्ने सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, इब्ने सैयदना इमाम आली मुकाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने सैयदुस सादात मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ज़ौज खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बिनते सरवर आलम फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस खानवादे से लाखों लोग वाबस्ता हैं जो हिंदुस्तान में भी हैं और बैरून हिंदुस्तान में हैं। इसमें अशरफ भाई का बहुत बड़ा रोल है। अशरफ भाई बराबर जुड़े हुए हैं मुरीदीन और मुतमसरीन से। हम लोग कहते हैं कि अशरफ भाई हमारे ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। काफ़ी मुरीदीन और मुतवस्सिरीन उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी सोचते रहते हैं, उनसे राबते में भी रहते हैं। और अशरफ भाई महर्रा के लोग बहुत उन्हें चाहते हैं, महर्रा के लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। अब जब भी आते हैं तो उन लोगों से मिलते हैं जो बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं। अल्लाह का करम है और इन बुज़ुर्गों की दुआ है। Thank you.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सैयद मोहम्मद अशरफ का एक गहरा तालीम और तरबियत का रिश्ता है। उन्होंने पीयूसी से लेकर एमए उर्दू तक की तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हासिल की, बीए फर्स्ट डिवीजन और फर्स्ट पोजीशन से पास किया, एमए उर्दू फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन से पास करके गोल्ड मेडल हासिल किया। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्लब के सेक्रेटरी रहे, अंजुमने उर्दू मुअल्ला के सेक्रेटरी रहे, अलीगढ़ मैगजीन के मुदीर रहे। सैयद मोहम्मद अशरफ का इंतखाब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में 1981 में बहैसियत इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ। 1981 के बाद सैयद मोहम्मद अशरफ शोबे इनकम टैक्स में मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी सलाहियतों का मजाहरा करते रहे। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मुंतखब होने के बाद सैयद मोहम्मद अशरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे और अपनी इंतज़ामी सलाहियतों का अपने शोबे में सभी को मोतरफ कराया। सैयद मोहम्मद अशरफ के घराने खानकाह बरकातिया से एक नारा दिया गया, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। इस नारे को अमली जामा देने के लिए सैयद मोहम्मद अशरफ और उनके बिरादरान ने 1995 में अलीगढ़ की सरजमीन पर अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी का कायम किया, जिसके तहत आज तकरीबन 10 इदारे सरजमीन अलीगढ़ पर अलबरकात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम से तालीम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। अलीगढ़ में इस सोसाइटी ने जहां मुख्तलिफ किस्म के इदारों का क़याम अमल में लाया, वहीं पर गरीब और नादार तलबा के लिए अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी ने अलबरकात आफ्टरनून स्कूल की शुरुआत की, जिसमें सोसाइटी ने उन तालिबे इल्मों को पढ़ने का मौका दिया जो वसाइल की कमी होने के सबब तालीम से महरूम हो चुके थे। इन बच्चों को अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी फ्री में तालीम देती है। इसके अलावा कानपुर और उन्नाव में भी सैयद मोहम्मद अशरफ के ज़ेर सरपरस्ती तालीमी इदारे कायम हुए। मारहरा में सन 2002 में मारहरा एजुकेशनल सोसाइटी का क़याम अमल में आया और वहाँ पर भी CBSE से इल्हाक शुदा स्कूल मारहरा पब्लिक स्कूल तालीमो तरबियत के मैदान में अहम खिदमात अंजाम दे रहा है। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पर बरसा है। सरजमीन अलीगढ़ पर अलबरकात तालीमी इदारों के क़याम के बाद ऐसा लगता है कि सैयद मोहम्मद अशरफ ने मजाज के इस तराने को सच साबित करके दिखाया है। इस खानकाहे बरकातिया से एक नारा दिया गया, आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। अशरफ साहब के वालिद माजिद हुजूर अहसनुल उलमा ने यह ख्वाब देखा कि मिल्लत इस्लामिया के लिए तालीम का बेहतर इंतज़ाम किया जाए और उस ख्वाब को उनके लायक फर्जंदार गिरामी ने शर्मिंदा ताबीर किया और 1995 में अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी की का क़याम अमल में आया। 2001 में अलबरकात तालीमी इदारों का संग बुनियाद रखा गया। 2004 में पहला तालीमी इदारा अलबरकात पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ शुरू किया गया।
अलबरकात सैयद मोहम्मद अशरफ के वालिद का एक ख्वाब था। हसन चाह का जो ख्वाब उनको उनके बच्चों ने बेहद यकसुई और दिलजमई से पूरा किया। कहा करते थे तालीम बुनियादी चीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के मुताबिक कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें उसके लिए दूर दराज यानी चीन तक जाना पड़े। उसमें एक खास बात यह है कि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है और रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर सबसे खास बात यह है कि ये वेल डिसिप्लिन्ड इदारा है। यहाँ पर तालीम के साथ साथ तरबियत का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। नो प्रॉफिटेबल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर जो भी आमदनी इन इदारों से होती है उस आमदनी को कौम और मिल्लत की फलाह में लगा दिया जाता है। एक वक्त सुबह की शिफ्ट का था और एक वक्त है शाम की शिफ्ट पे। शाम की शिफ्ट में इस अलबरकात जैसे बड़े इदारे में उन तमाम गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, बल्कि जो मुस्तहक हैं उन्हें और भी तमाम फैसिलिटीज़ किताबें और लिबास तक दे दिए जाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। और आज अनगिनत बच्चे इस लायक हो चुके हैं कि वो बड़े ओहदों पर पहुँच चुके हैं इसी अलबरकात की बदौलत। यहाँ BEd भी है, यहाँ MBA भी है, और सैयद मोहम्मद अशरफ का तो ये ख्वाब भी है और इंशाल्लाह ये ख्वाब पूरा भी होगा कि इसी अलबरकात में लड़कियों के लिए एक मेडिकल कॉलेज जरूर बने और ये ख्वाब उनका पूरा होकर रहेगा। अकाबरीन माहरा ने इल्म और अहले इल्म दोनों को सराहा, इल्म हासिल करने की तरगीब दी। मौजूदा दौर में खानकाह बरकातिया ने अपना इल्मी मिशन शुरू किया जिसकी रोशनी चार अतराफ फैल रही है। इल्मी और अदबी तहरीक को आगे बढ़ाना सर सैयद का भी मिशन था और अकाबरीन माहरा का भी। इस रिवायत को सैयद मोहम्मद अशरफ और उनके भाइयों ने न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि इस मिशन को सर सैयद की तरह अपनी ज़िंदगी का एक अजीम हिस्सा भी बना लिया। अलबरकात का ख्याल मेरे बड़े भाई प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अमीन, जो माहरा शरीफ की खानकाह के सज्जादा नशीन हैं और यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हेड रह चुके हैं, उन्होंने अपने भाइयों की मदद से या भाइयों के साथ मिलकर, यानी मैं, अफजल और नजीब हैदर, और अपने बच्चों के साथ मिलकर, छोटों के साथ मिलकर एक तालीमी अदारे के बाबत सोचा। ये 1995 की बात है। 1995 में मेरे वालिद मोहतरम हुजूर हसन मियाँ साहब क़िबला अलैह रहमा हयात थे, उनसे जब जिक्र हुआ तो उन्होंने फरमाया कि ज़रूर अदारा कायम करो क्योंकि इस वक्त तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो अदारा माहरा के बजाय अलीगढ़ में कायम करो क्योंकि वहाँ तुम्हें बहुत सी सहूलतें मिलेंगी, टीचर्स के सिलसिले में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में भी। तो 1996 में गालिबन इसका सोसाइटी दर्ज हुई और 2001 या 2002 में इसकी तामीर हुई और आज जैसा भी है अदारा आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है वो CBSE का प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक का लड़के और लड़कियों के अलग अलग स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं, MBA का कोर्स चलता है, BEd का कोर्स चलता है, DLED का कोर्स चलता है, BBA का कोर्स चलता है, NCPUL सेंटर के कई सेंटर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा फूड क्राफ्ट और अपैरल डिज़ाइनिंग इस किस्म के कोर्सेज भी हैं। और आपको ये जानकर गालिबन खुशी होगी कि यहाँ पर एक अदारा ऐसा भी है जिसमें बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाती है आसपास के पड़ोस के वो बच्चे जो माली असबाब की बुनियाद पर किसी बड़े स्कूल में दाखिला नहीं ले सकते। सैयद मोहम्मद अशरफ की पहली कहानी जब शाया हुई तो पूरी उर्दू दुनिया में एक धूम सी मच गई। दूसरी तीसरी कहानी शाये होने तक सैयद मोहम्मद अशरफ उर्दू फिक्शन की दरख्शा तारीख में अपनी जगह का तायुन कर चुके थे।
जो सैयद मोहम्मद अशरफ से वाकिफ नहीं थे वो हैरान थे, ये कौन है जो ज़बानो बयान के रम्ज़ से वाकिफ है, ये कौन नौजवान है जिसने उर्दू फिक्शन को सदियां दी हैं, कुरतुल ऐन हैदर हों या मारूफ नक्काद शम्सुर रहमान फारूकी, नैयर मसूद हों या ज़बान के जादूगर काजी अब्दुस्सत्तार, सब ने सैयद मोहम्मद अशरफ की अदबी और इल्मी सलाहियतों का एतराफ़ किया और इस बात का इजहार भी किया कि इस बागो बहार कलमकार ने दास्तान गोई को फिर से जिंदा व जावेद किया है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने कहा, ये एक बड़े क्राइसिस का अदब है और मुसन्निफ ने दुखों के ढेर पर बैठकर दुख की निगाहों से दुख का तमाशा किया है। इस सदी के इख्तिताम पर एक सफाक बेहिस बेइल्म जराइम पेशा दुनिया जहूर में आ चुकी है, इंसानों की कायाकल्प हो रही है। जब इस नई दुनिया की पंचतंत्र लिखी गई तो सैयद मोहम्मद अशरफ की चंद कहानियां उसमें ज़रूर जगह पाएंगी। सैयद मोहम्मद अशरफ की अदबी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए मारूफ अफसाना निगार काजी अब्दुस्सत्तार कहते हैं कि अफसाना चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फ़न है, ये सिर्फ बड़ा अफसाना निगार ही जानता है कि उसे क्या नहीं लिखना है। बड़ा और अच्छा अफसाना महज अफसाना नहीं होता बल्कि फिक्र और दानिश की दौलत से मालामाल होता है। अफसाना निगार को ज़बान पर अगर कुदरत नहीं तो महारत यकीनन हासिल होना चाहिए और अशरफ को ये महारत हासिल हो चुकी है। अदबी दुनिया की एक और मारूफ शख्सियत माहनामा सौगात के मुदीर महमूद अयाज साहब सैयद मोहम्मद अशरफ के बारे में अपने ग्रामाया तासुरात का इजहार करते हुए यूं रकम तराज हैं, एक और बात मुझे अहम और ग्रामाया मालूम होती है कि अफसाना निगार अपनी तहजीब रिवायात और विरसे का गहरा शऊर भी रखता है और उनसे जज्बे की सतह पर मजबूती से जुड़ा हुआ भी नज़र आता है। अपने अहद के सयाको सबाक में ये तहजीबी वजूद जिस बहरान का शिकार है उसका एक कर्बनाक एहसास अशरफ के अफसानों में मौजूद है। सैयद मोहम्मद अशरफ के नावल नंबरदार के नीला के बारे में शम्सुर रहमान फारूकी साहब एक तारीख साज जुमला बयान करते हैं, अशरफ का नावल नंबरदार का नीला खूब और बहुत खूब है, बेशक इतना उम्दा फिक्शन उर्दू तो क्या अंग्रेज़ी ज़बान में भी मैंने बहुत अरसे से नहीं देखा। ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने अशरफ को इस अहद का अजीम दास्तागो करार दिया है। अब ये देखिए, नाम तो मैंने नहीं रखा इस डॉक्यूमेंट्री का, लेकिन सैयद मोहम्मद अशरफ एक दास्तान गो। अब जाहिर है कि कहानी दास्तान भी एक कहानी ही होती है और दास्तान जो है वो एक नावल का या एक कहानी का बहुत ही ढीला ढाला सा एक रूप होता है। मेरे ख़्याल में शायद नाम रखने वाले के जहन में ये बात होगी कि जिस तरीके से दास्तान सुनाने वाला दास्तान सुनाता है और दास्तान सुनने वाले दास्तान में महव हो जाते हैं, उस तरीके की कहानी लिखने वाला सैयद मोहम्मद अशरफ है। अगर ये ख्याल है तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारे अहद के अफसाना निगारों में सैयद मोहम्मद अशरफ का नाम बहुत अहम है। ये सब जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अफसाने लिखने शुरू किए उसी वक्त से वो मशहूर होते चले गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। सैयद मोहम्मद अशरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए जब मरहरा शरीफ से यहाँ तशरीफ़ लाए, उस वक्त उनके अंदर एक ऐसे जरासीम मौजूद थे जो ये इशारा कर रहे थे कि ये एक अच्छे दास्तान को अच्छे अफसाना निगार बनेंगे। अशरफ एक अच्छे अफसाना निगार तो हैं ही, एक अच्छे इंसान भी हैं और मेरा मानना यह है कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे फ़नकार नहीं हो सकते। कि उन्होंने जो हमारी दास्तानों की रवायत है उसको उसका इस तरह से तजदीद की है
कि वो सिर्फ कदीम उसलूब को इख्तियार नहीं किया बल्कि कदीम जो दास्तानें थीं उसमें जो बुनियादी इंसानी रम्ज़ हैं जो इंसानी नफ्सियात है और गहरे इंसानी शऊर है उसको उन्होंने अपने अफसानों में और नावलों में पेश किया। उसलूब की सतह पर तकलीद करना दास्तान के उसलूब में लिखना तो आसान काम है लेकिन दास्तानों के पीछे जो एक तसव्वुर कायनात है और जो पूरी इंसानी नफ्सियात की गहरी तफ्तीश है और कुछ अजली सदाकतें हैं उनको पेश करना और जो आपकी जो मासिर सूरत हाल है जो असरी तकाज़े हैं उनसे उनको हम आहंग करना एक अहम कारनामा है। तरक्की पसंदी को जवाल आ चुका था। उस वक्त सैयद मोहम्मद अशरफ डार से बिछड़े लिख रहे थे। अगर आप उस दौर को नज़र में रखें तो अशरफ ने अपनी आमद के साथ ये ऐलान कर दिया था कि अब उर्दू फिक्शन में तब्दीली का दौर आ चुका है। अशरफ पुराने लिखने वालों से मरूब नहीं थे इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग बनाया और अपनी डगर पर तन्हा चले। डार से बिछड़े हो या लकड़बग्गा सीरीज़ की कहानियाँ या फिर मजमूए की पहली कहानी आदमी हो तकसीम वतन और आज़ादी के बाद के सियासी मंजरनामे पर रोज़मर्रा की गुफ्तगू में जो शको शुभा जन्म लेते हैं दरअसल ये कहानी उसी मरकजी नुक्ते से पैदा हुई नज़र आती है। मगर अशरफ के फिक्री उफुक ने ऐसी हर कहानी को शाहकार में तब्दील कर दिया है। इससे इनकार मुमकिन नहीं कि अशरफ के यहाँ ज़बानो बयान का लुत्फ भी है और दास्तानी सैर का जायका भी। कहानी पर अशरफ की गिरफ्त मजबूत है ज़बान में रवानी है और असलूब बेहद दिलकश है। डार से बिछड़े की इशात को बहुत साल गुजर चुके हैं लेकिन उसकी कहानियाँ आज भी पुरोमीद करती हैं कि उर्दू कहानियों का दामन शाहकार कहानियों से खाली नहीं है। तो डार से बिछड़े जब कहानी लिखी तो उसमें आबी परिंदों को ये जो सरमाई परिंदे होते हैं जिनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं इनको मैंने कोशिश किया कि इनको महाजरीन से इनकी तशबीह दी जाए या इनको महाजरीन का इस्तियारा बनाया जाए तो वो कोशिश किसी न किसी शक्ल में कामयाब हुई। लड़के अब भी मई जून में अपने कोमल बदन धूप में झुलसाते हैं या नहीं? उन हाथों पर अब खून कहां था? वो तो बस उसी वक्त जाने कहां से आन टपका था जब परिंदों पर मैंने बंदूक उठाई थी। मैंने परिंदों की सफ को पूरब की तरफ धुआं होते हुए देखा। मैंने उनसे चुपके से कहा, देखो पर सलामत तो लेकर जा रहे हो लेकिन इतना करना कि हिंदुस्तान पर से गुजरो तो उन लोगों का मातम कर लेना जो यहां से जाकर बेवतन हो गए थे। जर्मनी की तरफ भी ऐसे ही किस्से हैं, वहां से गुजरो तो थोड़े उदास हो जाना। हमें तो तुमने देख ही लिया है लेकिन हम अकेले थोड़ी हैं। वजीरुद्दीन की बीवी है, नवाब है, हर जगह तुमको ऐसे कितने ही शिकस्ता पर मिलेंगे। जहां किसी को देखना तो समझ लेना
कि ये भी बर्फ चूमने के सपने देख रहा है। बस वही तुम भी जरा दुखी हो ना। जाओ अब पहाड़ों के पीछे अपने वतन वापस चले जाओ। वसी मैदान, नुकीली पत्तियों वाले देवकामत खूबसूरत दरख्त और बर्फ में दबी हुई अंडों के खोल में बंद तुम्हारी अजीज चीजें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अलविदा, खुदा तुम्हारी परवास का हाफिज है। परिंदों का आखिरी पर अभी आसमान की वसअतों में धुएं की लकीर बन चुका था। खेतों की सरसराहट भी बिल्कुल खामोश हो गई। किनारे पर बैठा सारस का जोड़ा भी चुप हो गया। पानी के शरर शरर की आवाज भी बिल्कुल मादूम हो गई। तुमने फायर क्यों नहीं किया? वो नवाब पुराने कारतूस थे, दगा दे गए, सब मिस हो गए। लेकिन सुनो। हाँ, क्या है? तुमने फायर क्यों नहीं किया? एक आध चिड़िया तो गिरा ही लेते कम से कम, बिल्कुल तुम्हारे सर पर उड़ रही थी। वो थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर खामोश हो गए और इतनी मुश्किल से अपने पे जब्त किया कि बस मजा आ गया। हम सब खामोश थे। हवाएं बहुत तेज हो गई थी। जब मैंने कहानी लिखना शुरू की तो उस वक्त बहुत से लोग कहानी लिख रहे थे और बहुत अच्छी कहानी भी लिखी जा रही होंगी यकीनन, लेकिन मुझे कहानियां एक सी लगने लगी थी, उनमें मुझे यकसानियत लगने लगी थी। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं मुख्तलिफ कहानी लिखूँ, मुख्तलिफ भी हो और उम्दा भी हो। इसमें मेरे एक शौक़ ने मेरा बड़ा साथ दिया। वो शौक़ था शिकार का शौक़। हम लोग बचपन में शिकार में जाया करते थे। मैं अपने चचा और अपने दादा के साथ शिकार में जाया करता था। तो शिकार में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आदमी ने बंदूक उठाई, गोली भरी, सामने नीला या हिरन आया, उसे मार दिया और उसे घर में लाए और उसके कबाब करके खा लिए। शिकार तो एक उससे कहीं ज़्यादा ऊँची, कहीं ज़्यादा बसीत, कहीं ज़्यादा वसी एक अमल है जिसमें सबसे छोटी चीज़ जो है वो शिकार का मारना है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि इंसान जो है वो एक जस्तजू के नशे में आगे बढ़ता रहता है। उसे कुदरती मनाजिर नज़र आते हैं, कहीं नहर बहती हुई नज़र आ रही है, कहीं दरख्त लहरा रहे हैं, कहीं फसलें लहरा रही हैं, कहीं सरसों के फूल, कहीं आवी परिंदों की डारें जो है ऊपर से उड़ती चली जा रही हैं, कहीं नीलों की बागड़ जो है वो दौड़ती चली जा रही है। इन तमाम चीज़ों को जब हमने अपने बचपन की आंखों से और लड़कपन की आंखों से देखा तो जहन में शायद किसी नुक्ते पर ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि इनको कहानी का हिस्सा बनना चाहिए। तख्लीक का सफ़र
वाकई पुरसरार है। डार से बिछड़े का अफसाना निगार ऐसा सयाह है जो सफ़र से समझौता करने को तैयार नहीं है। उसका तख्लीकी कर्ब एक डार से दूसरी डार तक उसे भटकाता रहता है। इंसान को देखने और समझने की ये जुस्तजू उसे मुसलसल एक सफ़र से दूसरे सफ़र की जानिब खींचती रहती है। शायद इसीलिए अशरफ के अंदर का अफसाना निगार कभी चैन से नहीं बैठा। तख्लीक के इस पुरसरार सफ़र में अशरफ को ये गैर महज़ब इंसान इस कदर जंगली नज़र आया कि खुद ब खुद उनके अफसानों में एक बेपनाह जंगल आबाद हो गया। रोक से नंबरदार का नीला तक उनकी तख्लीकी तमसील साजी के एक से एक पढ़कर नमूने हमारे सामने हैं, मगर इंसान की हैसियत उनके नज़दीक मुसल्लम है। अशरफ की कहानियों की अगर दो खूबियों को हम गिनवाएं, तो दो जो बड़ी खूबियां या इम्तियाजी खूबियां हैं वो एक ये कि अशरफ को कहानी कहने का फ़न आता है। बहुत से उनके दोस्त, बहुत से उर्दू के मासरीन अफसाना निगार अफसाने तो लिखते हैं, अच्छे अफसाने भी लिखते हैं, लेकिन कहानी कहने का फ़न बहुत कम लोगों को आता है। दूसरा वस अशरफ का ये है कि वो ज़बान पर बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए अशरफ का हर आदमी उनकी ज़बान का कायल है। और अगर कोई किसी को ज़बान की मिसाल देनी होती है तो अशरफ का नाम लिया जाता है। सैयद मोहम्मद अशरफ को आता है कि ज़ुबान को किस तरह से, बयान को किस तरह से, किरदार को किस तरह से डालें, और फिर उनका मुशाहिदा भी बहुत वसी है। तो मुताला, मुशाहिदा और फिर ज़हानत, ये तीनों चीज़ें मिलकर ये मुसल्लस उनके यहाँ हमेशा हावी रहता है, और तभी वो फ़न पे ढलता चला जाता है और बेहतरीन यादगार फ़न पारे खल्क करते हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ की तहरीरों में ख़ास बात यह है कि वो किसी से मरूब नहीं हुए। ना वो तरक्की पसंद तहरीक के जो नज़रियात थे, जो मार्क्स का नज़रिया था उसको फॉलो किया, उस इस तरह से फॉलो किया कि सब कुछ वही है, ऐसा नहीं था। उनकी अपनी फिक्र थी, अपने तजर्बात थे, अपना नज़रिया था, उसको उन्होंने अफसाने में ढालना शुरू किया। यही बात अगर हम टेक्निक के सिलसिले में कहें तो जदीदियत का दौर था, इबहाम था, एब्स्ट्रैक्शन था, एब्सर्डिटी थी, सिम्बोलिज्म था, वो या मेटाफर थे, उनका उतना ही फ़ायदा उठाया जितना कि उस अफसाने में बहुत ही ज़रूरी था, और उस अफसाने के हुस्न को बढ़ाने में वो मददगार साबित होता। जो बड़े क्वेश्चंस हैं इंसानी ज़िंदगी के, ये इनकी तरफ भी जो आज के हालात हैं उसके हवाले से एसेंशियल ह्यूमन ट्रेट्स क्या हैं, अज़ली इंसानी तकदीर क्या है, वो कैसे कायम होती, तो अशरफ इस लिहाज से ज़बान की सतह पर भी, मौजू की सतह पर भी, और ट्रीटमेंट के लिहाज से भी हमारे इस अहद के बहुत अहम और काबिल ज़िक्र अफसाना निगार हैं। और यही वजह है कि उनको इकबाल सम्मान भी मिला और साहित्य अकेडमी ने भी उनको अपने सबसे बड़े अवार्ड से सरफराज किया। वैसे ये भी है कि मैंने सिर्फ जानवरों की कहानियाँ नहीं लिखी, जानवरों के अलावा अब जाहिर है कि कहानियाँ, दीगर कहानियाँ भी लिखी, तहजीब पे भी कहानी लिखी, ज़बान पे भी कहानी लिखी, फ़िरकावारियत पे भी कहानी लिखी, चाहे वो काबे का हिरन हो या वो दूसरी, या आजकल आज के जो आज का जो समाज है जिसे कहते हैं, ये सार्फी समाज है, उस सार्फी समाज में जो है वो उस्तादों की क्या हैसियत हो गई है, या हमारे तदरीस के और टीचिंग के प्रोफेशन को किस तरीके से बदनाम किया गया है, उस पर कहानी एक रंग नाम की एक कहानी लिखी। इसी तरीके से मंजर कहानी लिखी, मंजर कहानी जो थी वो एक अजीब व गरीब कहानी थी, उसमें चंद लोग हैं जो एक ही जगह पर एक ही लोकेल में अलग अलग मंजर देखते हैं, क्योंकि हर मंजर का ताल्लुक उनकी अपनी ज़िंदगी से है, इसलिए उनको वो मंजर अलग नज़र आता है। और उस मंजर में कुछ ऐसे मंजर भी थे जिसमें जो है वो मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। हालांकि ये कहानी मैंने 1980 से पहले लिखी थी, तब जो है वो बाबरी मस्जिद की शहादत वगैरह जैसा कोई वाकया
ना हुआ था ना उसकी कोई सुनगुन थी। तो बल्कि नारंग साहब ने एक जगह लिखा भी है कि अशरफ ने ये कहानी अपने वक्त से पहले लिखी है। बहरहाल तो मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ लिखते रहे और उसमें कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि हमें एक ही तरह की कहानी लिखनी है। जो सामने मौजू आ गया और जिस मौजू को अदा करने का टूल हाथ में आ गया वो कहानी लिख गई। और उसके अंदर जो है वो अब मैं ऐसा बड़ा बुकरात भी नहीं हूँ कि मैं अपनी कहानी के सिलसिले में ये बताऊँ कि मैं उसको इस तरीके से सोचता हूँ, फिर मैं उसको इस तरीके से अपनाता हूँ, फिर उसमें वो अल्फाज दाखिल करता हूँ। सीधी सीधी कहानी जब अच्छी कहानी पढ़ने को दिल चाहता तो एक अदद कहानी लिख देता हूँ। पापा को तो हम लोग बचपन से पापा ही जानते हैं। ये सैयद मोहम्मद अशरफ जो स्टोरी राइटर है या इनकम टैक्स में काम करते हैं वैसे नहीं जानते हैं। पापा का ये खूबी, मैं कुछ पर्सनल उनकी खूबियाँ बताना चाहता हूँ कि वो बहुत केयरिंग है, जैसे हमारे साथ हैं या सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, और बाकी एम्पैथी बहुत है उनके लिए। वो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है हम सबके लिए और ख़ासकर मेरे लिए। वो मुझे अपनी बहू नहीं, वो मुझे अपनी बेटी ही मानते हैं और उसी की तरह मुझे बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने कभी कोई डिफरेंस नहीं रखा अपनी बच्चों में और मुझ में। मैं उनकी छोटी बेटी की तरह ही हूँ। उन्होंने हर चीज़ को अलग अलग स्लॉट दिया है टाइम, मतलब अलग अलग सब कुछ निभाया उन्होंने। ऐसे नहीं है कि जैसे मैं खुद अगर कोई कहे कि मुझे पहले आओ सुबह उठो ऑफिस जाओ यहाँ आके फिर अलबकात का देखो फिर वहाँ जाओ फिर स्टोरी लिखो फिर जाके आप टेबल टेनिस भी खेलो और स्विमिंग भी करो और बाद में आके फिर घर वालों से के साथ भी रहो, किसी को अगर मदद करनी है वहाँ पर भी जाओ, किसी के रिलेशन में जाना है वो भी करो, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। तो ये देखा है कि मतलब एक 24 घंटे में ही उन्होंने 48 घंटे का काम कर दिया हो। वो बेहद मसरूफ़ होने के बावजूद भी अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने अजीज़ों के साथ जो है मुकर्रर करके रखते हैं और वो हमेशा उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मौजूद रहते हैं। इसके अलावा वो अपने पैशन के लिए बहुत पाबंद हैं जो कि क्रिएटिव राइटिंग है। उन्हें कहानियाँ लिखना, अफसाने लिखना ये बेहद पसंद है। वो रात रात भर जागकर अपनी कहानियाँ, अपने अफसाने जो हैं लिखते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यही कुछ उनकी खूबियाँ हैं जिसकी मैं बेहद इज्जत करती हूँ और उनको बहुत सराहती हूँ। जब यूनिवर्सिटी एंटर हुए वो, उसके पहले ही उन्होंने अपनी कुछ कहानियाँ भी लिख दी। तो ये जो शौक़ उन्होंने वहाँ से जो सब लिटरेचर है वो पढ़ने के बाद जो शौक़ पैदा हुआ है वो उससे उनको अपने पास्ट में दिखता है, मतलब अपने पास्ट से वो जुड़ते हैं, अपने ट्रेडिशन से जुड़ते हैं। और जो हम लोग ने अपनी पापा की कहानियाँ पढ़ी हम लोग अपने ट्रेडिशन से उसके ज़रिए जुड़ते हैं। तो मतलब ये जैसे कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग इज़ द ओल्डेस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड, तो एक शुरू से लेके अब तक के लिए हम जुड़ मतलब स्टोरीज के जरिए एक जुड़ते रह रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस के बारे में जानते रह रहे हैं। और फिर उनके जो माहिरा शरीफ का सारा जैसे कस्बा है तो वहाँ का गांव की ज़िंदगी कैसे होती है, देहात की ज़िंदगी कैसे होती है, ये बहुत सारी उनके स्टोरीज़ में झलकती है। वो इंसानी कदरों को बहुत अच्छे से अपनी कहानियों में बयान करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वो इंसानी कदरों को अपनी कहानियों में जानवरों के ज़रिए उसको पेश करते हैं, जो अपने आप में ही काबिले तारीफ बात है। और बाकी जो उनके इंटरेस्ट हैं जैसे बॉक्सिंग का, उन्हें मतलब बॉक्सिंग देखने का, करने का तो नहीं, देखने का उनको काफ़ी शौक है। वो यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं और हम लोग को भी दिखाते रहते हैं। मैंने भी कुछ कुछ उनकी वजह से बॉक्सिंग देखी। और मतलब शूटिंग का भी है शौक़ कि अक्सर अपने किस्से सुनाते रहते हैं शिकार के। पापा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो पहले मुझे समझ नहीं आया था कि वो जो बातें करते हैं अपनी हाजिर जवाबी जो है उनकी, उनको मैं इतना अच्छे से नहीं समझ पाई थी। लेकिन बाद में उनके साथ रहते रहते वो जो है और खुला और मुझे उनकी अब हाजिर जवाबी का जो है मज़ा आने लगा है। सैयद मोहम्मद अशरफ इस अजीम दास्तागो को दुनिया भर के इनामात और एजाजात से नवाजा जा चुका है। अशरफ की शोहरत आलमी बस्ती में कुछ उस खुशबू की तरह फैली हुई है कि उनका नाम आते ही एहतराम का जज्बा पैदा हो जाता है। ट्रॉफियां आगाज से ही उनका पीछा करती थी,
زمانہ طالب علمی میں بہترین خطیب کے طور پر میڈلز اور ٹرافیاں حاصل کرنے والے سید محمد اشرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک ممتاز مقررین میں شمار کیے جاتے تھے۔ 1975 میں مجموعی نمایاں ادبی کارکردگی کے لیے آفتاب ہال ٹرافی بھی حاصل ہوئی۔ نمبردار کا نیلا کو ذہن جدید دہلی نے 1995 میں کتھا ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ ادبی رسالے کے ادبی جائزے 2000 میں 20ویں صدی کے بہترین ناول میں نمبردار کے نیلا کو شامل کیا گیا۔ ساہت اکیڈمی ایوارڈ 2004 میں سید محمد اشرف کو ان کے عظیم تخلیقی کارنامے باد صبا کے انتظار کے حوالے سے حاصل ہوا۔ اردو کا امتیازی انعام کہلانے والا فروغ اردو دوحا قطر انعام 2010 میں سید محمد اشرف کو حاصل ہوا۔ مدھیہ پردیش سرکار کا اقبال سمان سید محمد اشرف کو 2017 میں ملا۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی نے اس عظیم داستان گو کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ 2017 میں پہلا شمیم نکھت ایوارڈ سید محمد اشرف کو برائے فکشن نگاری دیا گیا۔ زندگی کا سفر ابھی باقی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے داستان ابھی شروع ہوئی ہو۔ ایک عظیم داستانگو کا سفر، اس سفر کی بہت سی منزلیں ابھی باقی ہیں، لیکن داستانگو نے اپنی زندگی میں ایک ایسی شناخت قائم کر لی ہے جس کی شاخوں سے نکلنے والی پتے، موسم اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی سرسبز ہوتے چلے جائیں۔ تو نے یہ حسین کائنات دی، میں نے کائنات کو کہانیاں دی دی، تو نے رات بنائی، میں نے رات سے قصے پیدا کیے۔ اے رحمتوں والے، برکتوں والے، تو نے ہی تو اپنے کلام میں فرمایا تھا، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، حکایتیں کہتے رہو تاکہ لوگ سوچیں اور بچاریں۔